ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। भारत ने चीन को मजा चखा दिया है और चीन भारत के आगे खुद को मजबूत दिखाने के लिए अपने जवानों की हड्डियां गला रहा है। जबकि भारतीय सैनिक सियाचिन जैसे इलाकों में पहले से ही रहने के आदि हैं, तो उनके लिए ठंड कोई वैसी चुनौती नहीं है जैसी चीनी सैनिकों के लिए है। तो ऐसे में भारत के बाद अमेरिका और ताइवान भी उसी कतार में है जो लगातार चीन को उसकी हैसियत बताने पर तुला है। ताइवान तो खुलेआम चीन की धमकियों को ठेंगा दिखा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ताइवान ने चीन की आपत्तियों के बावजूद 5 साल के लिए वार्षिक आर्थिक वार्ता स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। भविष्य में अमेरिका और ताइपे के बीच वैकल्पिक चर्चा होगी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सेमीकंडक्टर उद्योग पर रणनीतिक सहयोग एक पारस्परिक प्राथमिकता है और आपूर्ति श्रृंखलाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 5G और दूर संचार सुरक्षा और वैश्विक स्वास्थ्य में आगे सहयोग के लिए जोर दिया जाएगा। इस वार्ता की अगुवाई अमेरिकी विदेश विभाग के अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट कीथ क्रेज और ताइवान के मंत्री जॉन डेंग ने की है। वर्तमान समझौता समाप्त होने के बाद समझौते को 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगले अमेरिकी प्रशासन द्वारा एमओयू का समर्थन किया जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पोम्पियो ने सहयोग बढ़ाने के प्रयास में ताइवान के साथ आर्थिक समृद्धि भागीदारी वार्ता की शुरुआत की है। ताइवान के साथ औपचारिक व्यापार सौदे पर बातचीत के लिए वाशिंगटन और ताइपे में बार बार बातचीत का अनुसरण किया जाता है। वाशिंगटन और ताइपे के बीच संबंधों में सुधार पर चीन ने अपनी बार बार नाराजगी के संकेत दिए हैं। सितंबर में क्रेज ने ताइवान का दौरा किया तो चीन ने यात्रा को एक राजनीतिक उकसावे की संज्ञा दी और ताइवान स्ट्रेट के मध्य में सैन्य विमान भेज दिया। चीन लगातार ताइवान के खिलाफ रहा है, वो नहीं चाहता कि ताइवान में किसी भी देश का दखल हो। बावजूद इसके अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे देश अब खुलकर ताइवान का साथ दे रहे हैं। चीन को ये बात चढ़ाने के लिए काफी है। अमेरिका सिर्फ इसी तरह के आर्थिक ट्रेड को नहीं कर रहा बल्कि वो ताइवान को हथियार के जरिए भी मजबूत कर रहा है। इस साल अमेरिका ने ताइवान को सेंसर, मिसाइल और तोपें बेचने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही ताइवान को अमेरिका से ड्रोन और हार्पून एंटीशिप मिसाइल मिलने की उम्मीद है। दरअसल ताइवान अपने समुद्री तटों को मजबूत करना चाहता है। इसमें हार्पून एंटीशिप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ताइवान के सर्वोच्च नेता लगातार बढ़ते खतरे के बीच अपनी रक्षा प्रणाली को और आधुनिक और मजबूत करना चाहती हैं। इस रक्षा सौदे पर भी चीन ने अपनी गहरी आपत्ति दर्ज की थी लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका बहुत मजबूती के साथ ताइवान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।